हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका स्वागत है। समय और कार्य का नेक्स्ट टाइप देखते हैं कैसे आता है। आज का क्वेश्चन होगा, जब कोई व्यक्ति काम को छोड़ के चले जाता है, ठीक है, तो जो आदमी शेष बचता है उसको पूरा करने में उसको कितनी टाइम लगता है। तो देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा। ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं और तब ए चला जाता है, शेष काम को भी निम्न समय में पूरा करेगा। अच्छा देखो, इसमें क्या है कि ए और बी एक काम को, यानी ए कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा। दोनों एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। अच्छा, पहले हम बताए थे इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, तो कितना आएगा, 72 आएगा। तो 18 चौक 72 और 24 3 72, दोनों मिलकर काम कितना करेंगे, 4 3 7। अच्छा, एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं, और दोनों मिलकर कितने दिन तक काम कर रहे हैं, क्वेश्चन में देखो, वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक काम करते हैं, 8 दिन तक, यानी एक दिन में 7 काम कर रहे हैं तो 8 दिन में काम करेंगे कितना, 8 7 56, यानी 8 दिन तक कितना काम कर चुके हैं, 56। अब हमारे टोटल काम कितना है, 72, तो क्या करेंगे, 72 में से 56 को घटा देंगे, 12 में से 6 जाएगा 6, और 7 में से एक उधार दे दिया इधर, तो कितना बचेगा, 6, 6 में से 5 जाएगा, एक बचेगा, यानी हमारा काम कितना बन रहा, बच रहा है, 16। और कह रहा तब एक शेष काम को बी निम्न समय में पूरा करेगा, यानी शेष काम को कौन करेगा, बी करेगा, यानी बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3, तो क्या करेंगे, 3 इसमें भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा, 16/3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन है एक्स और वाई एक कार्य को क्रम से 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं, दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर एक्स चला जाता है, अब शेष कार्य को अकेला वाई कितने दिन में पूरा करेगा। कह रहा एक्स 12 दिन में कर रहा है, एक्स कितने दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में, एक्स कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, और वाई कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में, दोनों 3 दिन तक काम करते हैं, तो पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 48, 12 चौक 48, 16 3 48, 4 3 कितना हो जाएगा, 7, यानी एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे, और काम कितने दिन तक दोनों मिलके किए हैं, 3 दिन किए हैं, तो क्या करेंगे, 7 × 3, 7 3 कितना हो जाएगा, 21, यानी 21 काम 3 दिन में कर चुके हैं, अब शेष काम कितना बचेगा, भाई टोटल काम कितना होगा, 48, 48 में से 21 घटा देंगे, 8 में से 1 जाएगा 7, और 4 में से 2 जाएगा 2, यानी हमारा शेष काम कितना बचा है, 27 शेष काम बचा है। अब इस शेष काम को किसको करना है, कह रहा शेष कार्य को अकेला वाई, देखो वाई को करना है, वाई की कार्य क्षमता कितनी है, 3, तो 3 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, 3 × 9 = 27, कितना आ जाएगा, 9, हमारा शेष काम वाई कितने दिन में पूरा करेगा, 9 दिन में, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। क्वेश्चन है ए एक काम को 12 दिनों में और बी इसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है, वह एक साथ 2 दिन काम करते हैं, तब ए चला जाता है, शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, ए 12 दिन में करता है, ए कितने दिन में करता है, 12 दिन में, और बी कितने दिन में करता है, 18 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 18 दिन में, वे दोनों एक साथ कितने दिन काम किए हैं, 2, तो शेष काम को बी करना है, ठीक है, तो 12 और 18 का क्या करेंगे, 12 18 का पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 36, यानी हमारा कुल काम कितना हो गया, 36, ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, 12 3 36, और बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 18 2 36। अच्छा, दोनों मिलकर काम कितना करेंगे, 3 काम ही कर रहा, 2 काम ही, तो कितने काम करेंगे, 5 काम करेंगे। अच्छा देखो, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, और कितने दिन तक दोनों 7 काम किए हैं, 2 दिन तक, तो कितने काम कर लेंगे, 5 × 10, यानी 10 काम कर चुके हैं, भाई कुल कार्य कितना है, 36, और 36 में से 10 काम कर चुके हैं, तो कितना काम बचेगा, 26 कार्य बचेगा, तो इसको किसको करना है, बी को। कह रहा ए चला जाता है, शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, भाई शेष यही बी करना है, तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, 2, तो क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 13, यानी बी कितने दिन में काम कर देगा, 13 दिन में, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
देखो अगर ये क्वेश्चन आपको कम समझ में आ रहा है तो इसके पहला वीडियो है, पहला पार्ट जाके जरूर देखिए, पहला पार्ट जब देखेंगे तभी दूसरा पार्ट अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़ कर चला गया। शेष कार्य को अकेले बी ने आगे कितने दिनों में पूरा किया। कह रहा देखो ये कितने दिन में काम कर सकता है, 12 दिन में, और बी 15 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। दोनों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया लेकिन 4 दिन बाद ये छोड़ कर चला गया। ये क्या कर रहा है, 4 दिन के बाद छोड़ के चला गया। अच्छा 4 दिन के बाद छोड़ के चला गया ना, यानी 4 दिन दोनों क्या किए, साथ किए हैं कि नहीं, तो इनका पहले क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो देखो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 60 लेते हैं, 12 × 5 = 60 और 15 × 4 = 60, यानी कुल कार्य हमारा कितना है 60, और दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम करेंगे, 5 × 4 = 9 काम करेंगे। देखो दोनों कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे, और 4 दिन तक दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 9 × 4 कितना काम कर दिए, 36 काम कर चुके हैं। अब कितना काम शेष रह गया, 60 में से 36 को घटा लेते हैं, कितना बचेगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर 5 में से 3 जाएगा 2, यानी हमारा शेष काम कितना बच रहा है, 24 बच रहा है। इस 24 को कौन करेगा पूरा, कह रहा शेष कार्य को भी अकेले ने आगे कितने दिन में किया। भाई शेष कार्य 24 है, इसको किसको करना है, बी को। बी की कार्य क्षमता कितनी है, 4, तो 4 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, 4 × 4 = 24, यानी कितने दिन में भी करेगा पूरा काम, 6 दिन में करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा ए और बी कोई काम क्रमशः 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिनों बाद एक काम छोड़ देता है, तदनुसार काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। देखो ए कितने दिन में काम कर रहा है, 6 दिन में, अभी कितने दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद ये काम छोड़ देते हैं। देखो 3 दिन के बाद ना ये छोड़ दे रहा है, यानी 3 दिन ये दोनों मिलकर काम करेंगे, तो 3 दिन का इनका कार्य निकाल लेते हैं। पहले क्या करेंगे, 6 × 12 कैल्शियम कितना होगा, 12, यानी हमारा कुल काम कितना हो गया, 12, इनकी कार्य क्षमता 6 × 12 = 12, 12 × 12, यानी इन दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में, 2 × 1 = 3 काम करेंगे कि नहीं। तो कितने दिन के बाद ये छोड़ के चला गया था, 3 दिन के बाद ये छोड़ के चला गया, यानी 3 दिन तक जब तीनों मिलके दोनों मिलके काम किए हैं, यानी 3 × 3 यानी कितने काम कर दिए हैं, 9 काम कर चुके हैं। बचेगा कितना काम, अब भाई 9 काम कर चुके हैं, कुल काम कितना है 12, तो 12 में से 9 घटा देंगे, कितना बचेगा, 3। शेष कार्य कितना बच रहा है, 3। अब ये कौन करेगा, जब ए चला गया तो बी करेगा, अब बी करेगा भाई, तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, 1 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 3। तो लेकिन क्वेश्चन में ध्यान देना, इसमें कहा है तदनुसार काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। देखो 3 दिन तो ये आ गया, 20 शेष काम को कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में, और पहले काम कितने दिन में कर रहा चला है, 3 दिन। भाई 3 दिन के बाद ये छोड़ के चला गया था ना, यानी कुल काम कितना होगा, 3 + 3 यानी 6 दिन में। ध्यान देना क्वेश्चन में कहा है, देखना पूछेगा शेष काम को कितने दिन में कर रहा है और कुल काम, तो अभी पहले वाले क्वेश्चन में शेष काम पूछ रहा था, इसमें कहा है कुल काम कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो शेष बी 3 दिन में कर रहा है, और 3 दिन तक पहले काम चला था, यानी कुल काम कितने दिन तक चला है, 3 + 3 यानी 6 दिन तक काम चला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिनेश एक काम को 20 दिन में तथा महेश उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन मिलकर काम किया और फिर महेश चला गया, शेष काम को दिनेश कितने दिन में पूरा करेगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, शेष काम को, तो दिनेश कितने दिन में पूरा करता है भाई, 20 दिन में, और महेश कितने दिन में करता है, 16 दिन में। उन्होंने 4 दिन मिलकर काम किया, कितने दिन मिलकर काम किया है, 4 दिन। तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों का कुल काम निकालते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा, 80 लेते हैं, 20 × 4 = 80 और 16 × 5 = 80, यानी एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे, 5 × 4 = 9, एक दिन में कितना काम करेंगे, 9, मिलकर कितना काम किए हैं, 4 दिन तक किए हैं, तो कुल काम कितना किए हैं, 9 × 4 कितना काम कर दिए, 36 काम कर चुके हैं, और कुल काम कितना है, 80, यानी 36 काम जब कर चुके हैं
तो शेष काम कितना बचेगा, 80 में से 36 को घटा देंगे, 10 में से 6 जाएगा 4, और इधर कितना बचेगा 7, 7 में से 3 जाएगा 4, यानी 44 काम अभी बचा है। और इस 44 काम को कौन कर रहा है, शेष काम को दिनेश कितने दिन में पूरा करेगा, शेष काम को किसको पूरा करना है, दिनेश को, तो दिनेश कितने दिन में पूरा करेगा भाई, दिनेश की कार्यक्षमता कितनी है, 4, 4 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 11, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला। देखो कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं बोल पाए हैं शुरू में, लेकिन जो आंसर है उसे आप लोग सही मान लेना। अगला क्वेश्चन है, देखो अगर ये आपको एलसीएम वाला नहीं समझ में आ रहा है तो जाके इसका पहला पार्ट देखेंगे, अगर पहला पार्ट देखेंगे उसके बाद दूसरा भाग देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि पहले भाग का ही इसमें है, ठीक है। अगर आप पहले भाग को अच्छे देखेंगे तो दूसरा भाग आपको आराम से समझ में आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में, तथा सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन के बाद कार्य छोड़ना पड़ता है, शेष कार्य को करने में ए को लगा समय था। अभी देखो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा उससे क्या है, चेंज है इसमें, क्योंकि 3 लोग काम कर रहे हैं। तो कह रहा है बहुत आसान क्वेश्चन, आप समझने की कोशिश करिए, एक किसी कार्य को 24 दिन में, एक कितने में कर रहा है 24 दिन में, और बी उसे 9 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 9 दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 72, 24 तीन 72, 9 8 72, 12 6 12 25 8 12 6 72, 12 25 60 12 6 72, यानी सी का कितना हो जाएगा कार्य क्षमता 6। तो कह रहा है इसमें बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है, पहले कौन कार्य प्रारंभ करते हैं, बी और सी। देखो पहले बी और सी, यानी बी और सी, बी की कार्य क्षमता कितनी है 8 और सी की कितनी है 6, यानी दोनों मिलकर एक दिन का कितना काम करेंगे 8 6 14, दोनों एक दिन का काम कितना करेंगे 14, और दोनों मिलकर कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़ना पड़ा, यानी 3 दिन कितना काम करेंगे 42, 14 3 42। देखो कह रहा बी और सी, ठीक है, 3 दिन तक काम किए हैं तो भाई बी की कार्य क्षमता 8 है, सी की 6, तो दोनों को जोड़ेंगे 8 6 कितना हो जाए 14, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 14 काम करेंगे, 3 दिन तक काम किए हैं तो 3 दिन का इसमें गुणा कर देंगे 14 3 42, यानी एक काम कितना कर चुके 42 काम कर चुके, और टोटल काम कितना है 72, तो 72 में से 42 को घटा देंगे कितना बचेगा 30, कितना बचेगा 30। अब इस शेष काम कितना बचा 30, और इस शेष काम को किसको करना है, शेष कार्य को करने में ए को कितना समय लगेगा। अच्छा देखो शेष कार्य को कौन करेगा, ए, ए की कार्य क्षमता कितनी है 3, 3 से भाग कर देंगे 3 दहियम 30, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। किसी काम को ए 15 दिन में कर सकता है जबकि बी 10 दिन में, यदि बी 8 दिनों तक काम करके छोड़ देता है तो शेष काम को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। इस क्वेश्चन में देखो हम हमेशा हर क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का लेते हैं ताकि एग्जाम में किसी भी तरह क्वेश्चन आए आपको कन्फ्यूज ना हो। इसमें देखो मिलके नहीं कहा, यानी मिलके काम नहीं किए, बी अकेला इसमें काम किया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है ए किसी काम को 15 दिन में, ए कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, जबकि बी 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, यदि बी 8 दिनों तक काम करके छोड़ दे। देखो मिलके क्वेश्चन नहीं कहा कि दोनों मिलके 8 दिन करते हैं, तो पहले क्या करते हैं इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 30, 15 दुनी 30 और 10 दिया 30। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, यदि कह रहा है यदि बी 8 दिनों तक काम करके छोड़ दे, यानी बी कितने दिन तक काम कर रहा है 8, यानी एक दिन में बी कितना काम कर रहा है 3, तो 8 दिन में कितना काम करेगा 8 3 24, कितना काम कर लेगा 24 काम कर देगा, उसके बाद एक काम क्या कर रहा है छोड़ दे रहा, कुल काम कितना है 30, 30 में से 24 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 6, यानी शेष काम कितना बचा 6। तो अब शेष काम को अकेला कितने दिन में करेगा ए, तो देखो ए की कार्य क्षमता कितनी है 2, 2 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला 3 दिन। समझ में आया,
तथा बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रम से 15 दिन तथा 10 दिन का समय लेते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य प्रारंभ किया किंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी को कार्य छोड़ना पड़ा तथा शेष कार्य अकेले ए ने पूरा किया। संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा होगा? कह रहा ए तथा बी किसी कार्य को पूरा करने में 15 और 10 दिन लेते हैं, यानी ए कितना दिन लेता है? 15 दिन। और बी कितना लेता है? 10 दिन। बी कितना दिन लेता है? 10 दिन। उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया किंतु 2 दिन पश्चात किसी बस कारणवश बी को छोड़ना पड़ा, यानी 2 दिन तक, 2 दिन के बाद बी को छोड़ना पड़ा, यानी 2 दिन तक दोनों मिलकर काम किए हैं ना। पहले इनका क्या करेंगे, कुल कार्य निकाल लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना होगा? 30, 15 दूनी 30 और 10 दिया 30, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 3, 2, 5। अब देखो दोनों मिलकर 5 काम करेंगे और 2 दिन के बाद क्या हो रहा है, एक छोड़ दे रहा है, तो 2 दिन तक कितना काम चलेगा? 2, 5, 10, यानी 10 काम को क्या कर लिया गया, 2 दिन में कर लिया गया। अब कुल काम कितना था? 30, और 10 काम पूरा हो गया, तो शेष काम कितना बचेगा? 20। 20 काम बचा है, तो इस 20 काम को किसको करना है? शेष कार्य अकेले ए ने पूरा किया, तो शेष कार्य को कौन करेगा? ए। तो 2 से भाग देते हैं, 2 × 20 कितना आ जाएगा? 10 दिन। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें कहा है संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा हुए, भाई तो शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ? 10। और पहले कितने दिन काम हुआ था? 2 दिन। तो क्या करेंगे? 10, 2, 12 कितना हो जाएगा संपूर्ण कार्य? एग्जाम में ध्यान देना कि शेष कार्य को पूरा करने का समय पूछा है कि कुल पूछा है, ठीक है? तो इसमें संपूर्ण कार्य पूछा था, देखो शेष काम को 10 दिन में हो रहा है और पहले कितना काम हुआ था? 2 दिन, तो 10 + 2 यानी कितना हो जाएगा? 12 दिन में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला। क्वेश्चन है ए और बी किसी कार्य को क्रम से 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हो। पहले इन दोनों को क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा देखो कौन सा नंबर लेंगे, दोनों से कट जाएगा, 60 ले लेते हैं। 20 × 60, 12 × 5 = 60। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, कहा है ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, ए अकेले कार्य प्रारंभ कर रहा है तत्पश्चात 4 दिन के बाद बी आता है। अच्छा 4 दिन तक यानी ये अकेले काम किया है, तो 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 3। तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 4 × 3 यानी 12 काम कर चुका है, यानी अब कितना काम शेष रह गया है? 60 में से क्या करेंगे, 12 को घटा देंगे, कितना आएगा? 48 आ जाएगा। अब इस 48 काम को देखो, अब कह रहा है 4 दिन के बाद बी क्या हो जाए, आ जा रहा है, यानी अब ये दोनों क्या करेंगे, मिलके काम करेंगे ना। अब क्या करेंगे, ए और बी मिलके काम करेंगे। जब मिलके काम करेंगे तो ये दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 3 और 5 कितना करेंगे? 8। यानी दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 8 काम करेंगे। तो शेष काम को करने में कितना दिन लगेगा? 8 से भाग कर देंगे, 8 × 6 = 48। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो कार्य कुल कितने दिन तक चला? अच्छा भाई पूछा कितने दिन तक चला, शेष कार्य को 6 दिन में किया, अब पहले कितना दिन काम किया था? ये 4 दिन तक किया था, तो 4 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 6 × 4 = 10। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें पूछेगा कार्य कुल कितने दिन तक चला या शेष कार्य कितने दिन चला, ठीक है? इस तरह ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके लाइक करने से ही पता चलता है कि वीडियो कितना अच्छा बनता है या आपको कितना समझ में आता है, हम कितना अच्छा पढ़ा पा रहे हैं। धन्यवाद।